Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel KI Corners. आज जो हम पढ़ेंगे बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, the ninth trick. और ये चाहे छोटे बच्चा हो चाहे बड़ा हो या कोई भी किसी भी एज के लिए अच्छा ट्रिक्स है. और ये चीज आपने इससे पहले नहीं पढ़ी होगी, चलें देख लेते हैं. ट्रिक्स है नाइन के टेबल की ट्रिक्स है, ठीक है. अब नाइन टाइम्स वन, अब इसका अगर हम छोटी क्लास में अगर एग्जाम में आता है नाइन के टेबल, तो हम क्या करेंगे इसका सिंपली क्या है, स्टार्ट हमें करना है जीरो. नाइन टाइम्स वन इज यहां से हम स्टार्ट करेंगे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ठीक है. अभी हमने ऊपर से जीरो से स्टार्ट किया नाइन, अब हम उलट गिनती करेंगे. उलट नहीं, दोबारा हम नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है. जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. अब देखो टेबल, नाइन टाइम्स वन इज नाइन, नाइन टाइम्स टू इज 18, 9 times 3 is 27. इसी तरह आ गया है 9 times 7 is 63, 9 times 8 is 72, 9 times 9 is 81. कैसे आ रहा है? ठीक है, ये चीज समझ में आया कैसे हमने चला. एक तो यू लेके चले हमने इसको, गिनती हमने स्टार्ट की 0 से 9, ठीक है. हमने ऊपर से नीचे गए, ठीक है, ठीक है. यहां से हम गए ऊपर से नीचे, अब यहां पे क्या, नीचे से हम ऊपर गए, ठीक है. जहन में रहेगा ये टेबल. एक और क्या खास बात, आज ये देखने में तो बहुत आसान है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हिडन चीजें जो कि आपको नहीं मालूम, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. सिंपल नाइन का टेबल तो है, ठीक है, मगर और क्या चीजें खास बात. अभी देखो ये दो नंबर जो आ रहे हैं, इसमें आप गौर से देखो, ये दो जो दो नंबर है यहाँ पे, ठीक है, जो दो नंबर जो है जीरो प्लस नाइन, इसका सम करो नाइन आएगा. वन प्लस एट, देखो जीरो प्लस नाइन, ठीक है, वन प्लस एट, ठीक है, आ गया. और टू प्लस सेवन, थ्री प्लस सिक्स, ठीक है. इसी तरह मैं आगे जा रहा हूं, आगे नाइन प्लस जीरो, ठीक है. तो इसके सबका सम क्या होगा, ये सबका सम जो है नाइन ही होगा. तो इसका मतलब ये हुआ नाइन को जिससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं टू, अब मैं बात कर रहा हूँ यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, यूनिट डिजिट और या ये कहना चाहिए वन से लेके टेन तक, नाइन को मल्टीप्लाई करें वन से लेके टेन तक. इसका तरीका कार में, इसका मतलब मेरा ये है कि इन दो जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो टू डिजिट में आ रहा है, ठीक है, तो उसको जो मैं सम करूंगा तो क्या आएगा, नाइन आएगा. एक ये तरीका है, या दूसरे लफ्जों में कहना चाहिए, देखो जीरो नाइन वन एटीन, अलग जीरो नाइन लिखते नहीं, नाइन लिखते हैं, बट नाइन जीरो नाइन का मतलब ही नाइन है, ठीक है. अब दोनों का सम करूंगा तो क्या आएगा, इसका सब नाइन आएगा. वन प्लस एट का करूंगा सब नाइन आएगा, टू प्लस सेवन करो नाइन आएगा, थ्री प्लस सिक्स नाइन आएगा, फोर प्लस फाइव नाइन आएगा. तो मतलब कहने मतलब मुराद ये है कि जब टू डिजिट आ रहा है मल्टीप्लीकेशन के बाद, उनका जो सम आएगा वो नाइन आएगा. इसमें एक और क्या चीजें और भी चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें सीक्रेट चीजें क्या है, ठीक है. आप छोटी क्लास में आप नाइन टेबल, एक तो ये हो गया जीरो वन टू थ्री, ठीक है. अचानक किसने पूछ लिया आपके क्लास के टीचर ने नाइन मल्टीप्लाई थ्री, जिससे नाइन मल्टीप्लाई थ्री आपको बोला जाए, कोई बोलता है नाइन मल्टीप्लाई थ्री, ठीक है. अब मैं इसको मैं, ठीक है, अगर आपको कोई बोलता है इसको मैं कोई और चीज देख लेते हैं, सही है. एनीवे यहाँ पे मैं मार्कर मॉडल लेता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूँ, अगर फर्स्ट को नाइन टाइम्स थ्री किसने कहा है, नाइन टाइम्स जिससे हमने रखा, अब ये काउंट करो लेफ्ट साइड पे आपके पास कितने नंबर है, टू, ठीक. नाइन टाइम्स थ्री पहले आगे टू, आगे क्या नंबर है, ये हमें एक हाथ में कितनी होंगे पांच, और दो कितने बचे, पांच और दो सात, नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन. अब आते हैं नाइन टाइम्स फोर, नाइन टाइम्स फोर क्या होगा,
ठीक है, 9 times 4, अब हम देख लेते हैं 9 times 4, हम इसको पिक कर लेते सोंगली को, ठीक है, हमने इस सोंगली को पिक कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पीछे कितना है, 1 2 3, 3 ऑंगलीज है, ठीक है, 9 times 4 इज, पहले क्या आएगा, 1 2 3, 3 ऑंगली आ गया, 3 लिखा हमने, ठीक है। और बचा कितना है, ये आपके है कहाँ पे, 5 है ऑंगली होती है, 5 और 1 6 4 9 36, ठीक है। अगर पूछा कोई 9 times 7, अब 9 times 7 क्या होगा, अब ये देखो, ठीक है, 9 times 7 क्या है आपके पास, आप ये देखो 5 2 7, ठीक है, आप यहाँ पे उंगली आ गई आपकी सातवें में, तो अभी देखो पीछे कितने आ रही है, इसको अगर मैं भूल जाऊं इस उंगली को, तो कितने हैं, 5 1 6, ठीक है, मैं बोला 9 times 7, मैं इसके लिए बात करूं 9 times 7 क्या है आपके पास, तो 5 और 6 6 आपके पास आ गया, और बचे कितने हमारे पास, 1 2 3, तो क्या 9 7 63, अब आयो 9 times 8, 9 times 8 क्या होगा, 9 times 8 देखते हैं, देखो 9 times 8 किसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, हम इस उंगली के लिए सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बताओ इससे पहले कितनी उंगली है, देखो फिंगर्स है, देखो 5 और ये 2 7, तो क्या आएगा, 7 पहले आ गया, तो बचे कितने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, 2 बचे, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 7 बचे हैं फिंगर्स, और राइट हैंड साइड पे कितने हैं, 2 बचे हैं, तो क्या आ जाएगा, 72। अब 9 9 9 से क्या होता है, हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं 9 9 9, ठीक है, 9 9 9 क्या होता है, 9 9 9, देखो आप कौन सी उंगली पिक कर रहे हैं, यही उंगली पिक कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे काउंट करो, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है, और बचा कितने उंगली राइट साइड पे, 1 9 9 81। अब 9 times 10, अब देखो ये उंगली कहाँ रखना है हमें, ठीक है, यहाँ रखना है, तो लेफ्ट साइड में कितने उंगली बची है आपके पास, 9, ठीक है, और राइट साइड में कुछ नहीं बचा, सिर्फ 9 times 10, ठीक है, 9 times 10 is 10 90, ठीक है, ये समझ गए आप लोग, तो ये एक और ट्रिक्स है। अब इसके अलावा ट्रिक्स क्या है, वो भी बता देता हूँ आपको मैं, ठीक है, इसके अलावा ट्रिक्स क्या हो सकता है, ठीक है, एक और ट्रिक्स ये है इसमें, ठीक है, एक और ट्रिक्स ये है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, एक और ट्रिक्स क्या है यहाँ पे, देखो अब 9 times 1 है, अब 1 में से 1 निकालो, 0 पहले आ गया, 0 इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है, 9 times 1 इज, अब देखो 1 में से 1 निकाला मैंने, 1 में से 1 क्या आ गया आपके, 0, ठीक है। अब मैं क्या नंबर, दूसरा नंबर क्या होगा, क्या नंबर ऐड करूं, 0 प्लस ऐसा नंबर जो ऐड करूं, तो आया 9, तो क्या 0 प्लस 9 इज 9, देखो 9 times 2 इज, देखो अब 2 में से, अब 2 में से 1 कम करो, क्या आएगा, 1 आ जाएगा, अब 1 में क्या ऐड करो, 9 हो जाए, 8 8 प्लस 9, मैंने कहा था 2 नंबर का सम, देखो 9 times 3, अब 3 में से 1 निकाल दो, 2, तो 2 में क्या जमा करूं, 7, ठीक है, 7 2 9 हो गया। अब 9 times 4 इज, 4 को हम करेंगे क्या, 4 को हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या है, 3, 3 में क्या ऐड करो जो के 9 हो जाए, 3 प्लस 6, देखो 3 प्लस 6 इज 9, तो इसका मतलब 2 ये जो डिजिट आ रहे हैं डिजिट्स, उनका सम करेंगे तो क्या आएगा, 9, ठीक है। 9 times 5 इज क्या आएगा, अब 5 में से 1 कम करो, 4, ठीक है, 4 आ गया, 4 में क्या जमा करूं कि 9 आ जाए, ठीक है, 5, तो इसी तरह आगे 9 times 6 में क्या होगा, 6 में से 1 कम करो, 5, तो मैं क्या ऐड करूं कि नेक्स्ट नंबर जो कि सम करूंगा, 9 5 4 is 9 54, तो आई थिंक क्या है, आप लोग अच्छा लगा होगा, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, आई ट्राइड माय बेस्ट कि आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से सिखाऊं, और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मैजिकल जो कि आपने नहीं किया होगा यूज, आपने ना सोचा होगा, आपने टेबल याद कर लिया होगा, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप जो आप कंप्यूटर प्रोग्राम में होता है वो क्या करता है, इंटीजर जब देखो आपके दो है, एक इंटीजर एक करेक्टर, फ्लोटिंग में बात नहीं करो, इंटीजर करेक्टर बात, देखो इंटीजर की जो मेमोरी ज्यादा लेता है, करेक्टर की कम लेता है, तो हम क्या करते हैं, इंटीजर को करेक्टर में आते हैं, उसके बाद जितने सारे ट्रिक्स हम यूज करते हैं, और ये जो अभी ट्रिक्स बता रहा हूँ ये आगे चल के आप रैंडम नंबर भी कर सकते हैं, और करेक्टर ला के, देखो जैसे मैं कोई नंबर है मैं रैंडमली मैं जनरेट करना चाह रहा हूँ, जैसे आपके पास आता है जैसे स्टॉक एक्सचेंज में
नॉट एक्सपेक्ट द प्राइस बोर्ड में, तो वहां पे भी एक नंबर जनरेट कर सकते हैं। देखो वो एक पहले हम देखते आ रहे हैं एक साल का डेटा, तो ये जो पीछे जनरेट हो रहा है 6 डिजिट का जो है वो कैसे हो रहा है, तो उसको हम 9 से, देखो आपके पास है नंबर 5 2 7 4 3 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसका जो मैं दूसरा नंबर आएगा वो क्या 9 से 5 में से अब मैं क्या ऐड करूं, 9 आ जाए 4, यहाँ क्या जाएगा 7, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ आ जाए आपके पास क्या जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 8। तो इस तरह नंबर जनरेट होता है, जो ये भी ट्रिक्स है कि आगे आगे चल के आप शायद अपना भी कुछ अपने जो है रेंडम नंबर जनरेट करने चाह रहे हो, या कोई ऐसा जिससे आप लोग प्राइज बॉन्ड या लकी ड्रॉ या इस तरह की जो चीजें वहां भी ये चीजें इस्तेमाल कर सकते हो। मेरा मकसद ये है, आई होप के आप लोग को अच्छा मजा आया होगा इसमें इस ट्रिक्स में। तो प्लीज इसको शेयर करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।